वंचित असहाय कमजोर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आज मैं आपके बीच में 1600 किलोमीटर दूर से आया हूँ। और मैं अकेला नहीं आया हूँ, हमारे साथ 10 लोग आए हैं और गाड़ियाँ भी साथ लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेन से आ गए, हवाई जहाज से आ गए हों, हम लोग गाड़ियाँ भी लेके आए। अब तक हम लोगों ने लगभग भारत के 15,000 गांव का भ्रमण किया। कितने गांव? 15,000 गांव में हम लोग जा चुके हैं। और उन लोगों के बीच में जाते हैं जिनके पास पर्याप्त खाना नहीं है, पर्याप्त शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है, और उनके बीच में जाकर उनसे बात करते हैं कि आखिर इसका कारण कौन है। हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो चीजें आपको बहुत आगे ले जाएंगे। पहली बात तो मैं बौद्ध भिक्षु, मेरा नाम सुमित रतन है, और आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना काम करते हैं पूरे भारत। तमाम ऐसे लोग हैं जो एक मुकाम हासिल करके, एक पढ़ाई लिखाई करके कभी गरीबों की बस्तियों में नहीं जाते, कभी उनके यहाँ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, लेकिन हमारे पास मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, मुकाम की कोई कमी नहीं है, फिर भी रात्रि में आपके बीच में मैं खड़ा हूँ। क्यों? हमें दर्द है, क्योंकि हम लोग कोई छोटे लोग नहीं है, हम लोग इस भारत के पुराने राजा महाराजा। कौन है? हम लोग इस भारत के पुराने क्या है? राजा महाराजा है। हमें षड्यंत्र के तहत कम संख्या वाले लोगों ने गुलाम बना लिया है, अछूत बना लिया है, निची जाति का बना दिया है, और हमें शिक्षा से, सत्ता से, धन से वंचित कर दिया है। तो आज हमारी हालत क्या हो गई? बहुत खस्ता हालत हो गई। बाबा साहब ने हमें पानी का अधिकार दिया, मकान बनाने का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, एमपी एमएलए बनने का अधिकार दिया, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार दिया, बीडीसी बनने का अधिकार दिया, प्रधान बनने का अधिकार दिया। लेकिन बाबा साहब ने हमें क्या दिया था? इसके साथ साथ हमें धर्म भी दिया था। जब बाबा साहब ने हमें सब कुछ दे दिया तो बाबा साहब ने सोचा कि अगर इन लोगों को हमने बौद्ध नहीं बनाया, धम्म नहीं दिया, तो ये लोग अधूरे रह जाएंगे, आज नहीं कल फिर भटक जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया लेकिन धम्म भी दिया। इसलिए आज मैं गुजरात के लोगों, कवि या बल्लभियों का शासन हुआ करता था, ये जितनी गुफाएं पूरे गुजरात में बनी है, ये सब बुद्ध की गुफाएं हैं, इनमें भगवान बुद्ध के बौद्ध भिक्षु रहते थे। ये पूरा गुजरात बौद्धमय हुआ करता था। सम्राट अशोक यहाँ के राजा थे, महापद्मनंद यहाँ के राजा थे, सम्राट कनिष्क यहाँ के राजा थे, सम्राट हर्षवर्धन यहाँ के राजा थे, पूरा बल्लभियों का ये शासन हुआ करता था। आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि जब तक आप सड़ी गली व्यवस्था में, मनुवाद में, छुआछूत में, जातिवाद में बने रहोगे, आपका विकास नहीं हो सकता। अगर विकास हो भी गया, अगर आपको राष्ट्रपति बना दिया गया, तो वो लोग मंदिर में भी आपको घुसने, राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने दिया गया नहीं। क्यों? क्योंकि वो शूद्र है, अछूत है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि उनकी व्यवस्थाओं को छोड़ दीजिए, ये लोग बदलने वाले नहीं है। चाहे जितने आप पैसे कमा लेना, चाहे जितने आप पढ़े लिखे पनीर हो जाना, लेकिन उनके मन में फिर भी जातिवाद बना रहता है, छुआछूत बना रहता है। इसलिए बाबा साहब ने एक ही मार्ग हमें बताया कि हमें किसी भी तरह से वो सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा और बौद्ध बनना पड़ेगा। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आज मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप सारे के सारे लोग वैचारिक बौद्ध हो गए हो, अम्बेडकरवादी हो गए हो, अब लिखित भी अपने आप को बौद्ध बना लीजिए, तभी आपकी आने वाली पीढ़ी पढ़ सकती है। आपको पता है विदेशों में कोई जाति नहीं, हमने कई देशों की यात्रा की है, आप हमारे वीडियो देखिए, हम जिस देश में जाते हैं उस देश का हालचाल आपको बताते हैं। पूरी दुनिया में कहीं छुआछूत नहीं है, कहीं जातिवाद नहीं है, कहीं भुखमरी नहीं है, कहीं नाई बाल नहीं काटता। आपने ऐसा देखा ना, देखा ऐसा है कि नहीं है? हमें छूता नहीं है, हमारा ही व्यक्ति वनवासी आदिवासी हमें नहीं छूता है, लेकिन ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा भारत में है। इसलिए हमें इस व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। मैं बड़ा चंकित रहता था कि गुजरात, लेकिन जब गुजरात में आके देखा तो यहाँ बहुत जातिवाद है, इन लोगों ने खत्म नहीं किया,
झूठ बोल करके लोगों को ठगा है। इसलिए आज मैं आपसे कहने आया हूँ कि ये सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ दीजिए। और देखिए, आपका भाई जे जोगड़िया इसी व्यवस्था से निकालने के लिए काम करता था, करता नहीं करता। मैं चाहता हूँ इस गांव से दो चार अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग निकले, हमारे साथ जुड़े, उन्हें हम राजकोट में, सूरत में, अहमदाबाद में अच्छी अच्छी जगह जोड़ते हैं, ताकि वहाँ से जब वो जुड़ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को प्रकाश देते रहेंगे और यहाँ के लोगों के बीच में काम करते रहेंगे। और ये जो मेरी माताएं बहनें हैं ना, इनको भी हमें बदलना पड़ेगा, इन्हें भी अपने विचार परिवर्तित करने पड़ेंगे। अगर माताएं बहनें नहीं बदलेंगी तो हमारा धर्म अधूरा है, हमारी विचारधारा अधूरी है। बाबा साहब से पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो मार्ग खोला है ना, अब महिला यहाँ की प्रधानमंत्री भी बन सकती है, मुख्यमंत्री भी बन सकती है। भगवान बुद्ध के धर्म में कोई छुआछूत नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है, अब महिला पुरुष समान है। इसलिए इतना अच्छा धर्म है, आप लोग इसमें आइए और अपना जीवन भविष्य बच्चों का आगे बढ़ाइए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ कि आप बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, और मेरे नंबर भी आप ले लीजिए, अपने नंबर हमें भी दे दीजिए, और परमानेंट आप जुड़े रहिए। मैं दो चीज़ें आपसे कहने आया हूँ गांव के लोगों, एक तो एक छोटा सा बुद्ध विहार यहाँ बनाइए। देखिए, बाहर के द्वारा बनाया गया बुद्ध विहार श्रद्धा आपकी नहीं ले सकता है। जब छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके आप बुद्ध विहार बनाएंगे तो उसे अपना मानेंगे, क्या मानेंगे कि मेरा विहार है। एक छोटी सी जगह ग्राम समाज की हो या जिसके पास ज्यादा जमीन हो वो जगह दे दे, छोटा सा एक बुद्ध विहार आप बनाइए और बाबा साहब की मूर्ति और बड़ी लगाइए, है ना, और वहाँ लाइब्रेरी बनाइए, किताबें रखिए, ताकि पढ़े लिखे बच्चे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया कितनी आगे निकल गई, दुनिया में कितनी दुनिया में भगवान बुद्ध का दर्शन निकल गया और हम लोग अंधेरे के अंधेरे में। तो ये हम अपीलें आपसे करने आए हैं। और हमें गुजरात में एक महीने तक रहना है और एक महीना में लगभग 300 छोटे छोटे कार्यक्रम पूरे गुजरात के गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में हमें करने हैं। और एक महीना में मुझे उम्मीद है लगभग 1,00,000 लोगों से मैं जुड़ूंगा, 1,00,000 लोगों को टच करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि जब तक ये व्यवस्था आप नहीं छोड़ देते तब तक तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, ये गुलामी तुम्हारे साथ चली जाएगी। बाबा साहब बुद्ध को आपको अपनाना ही पड़ेगा, यही अपील आपके बीच में करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। लोग संविधान बदलना चाहते हैं, लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर आप उठके खड़े नहीं होगे, इनके खिलाफ नहीं लड़ोगे तो क्या होगा? संविधान अगर बदल गया तो सारे अधिकार छिन जाएंगे। जहां से बाबा साहब हमें लेके आए, पीछे झाड़ू बना रहता था, आगे हंडी सुना है ना, वही वक्त ये लाना चाहते हैं, उससे हमें निकलना पड़ेगा और अपने बच्चों का भविष्य संभालना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुजरात के लोगों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आए हुए लोगों का सम्मान कर आज साहब जोगड़िया साहब होती नहीं कार्यक्रम के आज बंटी जी चंद्रे आप सब लोग चलिए बहुत बोल आप सभी लोगों को इनको फूल से उनको बहुत पानी हाँ बहुत खड़े चलो सभी लोग मौन देखिए मौन रहना है 2 मिनट के लिए।